बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप तमाम देखने वाले दोस्त साथ खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर मैं आपको जहांगीर रोड की सूरत हाल से आगाह कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बार फिर कह सकते हैं कि जहांगीर रोड की किस्मत जाग उठी है। काफ़ी वीडियो डलने के बाद और लोगों के परेशानी के बाद यहाँ पर हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है और सबसे पहले जो है वो नालों का काम किया जा रहा है, यानी सीवरेज का निज़ाम जो है वो सबसे पहले सही किया जाएगा। मेरे लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर आप देख रहे हैं मशीन यहाँ से जो है नालों की सफाइयाँ करते हुए आगे की तरफ काम कर रही है। तो दूर से मैं शुरू से मैं आपको इसका व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए मशीन सामने से वर्किंग कर रही है और इन नालों को रोड बनाने से पहले जो है इन नालों पर वर्किंग की जा रही है। इधर का निज़ाम सही किया जा रहा है सीवरेज का। इन नालों के जितना भी गंद है उन सबको एक तरफ करके और नए सिरे से ये सीवरेज की लाइनें डाली जाएंगी, नए सिरे से नाले बनाए जाएंगे। जैसे मुख्तलिफ जगहों पर आपने देखा सीवरेज का निज़ाम सही किया जा रहा है। तो ये जहांगीर रोड काफ़ी अरसे से काफ़ी लोगों के दरमियान ज़ेर बहस रहा। बहुत से लोगों ने इसकी अपडेट करते रहे मुझ समेत कि जहांगीर रोड का ये सूरत हाल है यहाँ की रोडों की। इससे पहले भी ये रोड बना था लेकिन फौरन ही रोड ख़राब हो गया। उसकी मेन वजह ये थी कि सीवरेज का निज़ाम सही नहीं था। अब इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भरपूर तरीके से काम किया जा रहा है मुस्तकिल बुनियादों पे। ये आप देख रहे हैं बैनर लगा हुआ है केएमसी की जानिब से। नालों के निज़ाम को सही करने के बाद इंशाअल्लाह ताला इसके दोनों तरफ का रोड बनाया जाएगा जो मुझे मालूमात मिली है। आप इस वक्त गाड़ी देख रहे हैं, सिटी वार्डन भी मौजूद हैं और मशीन अपना वर्किंग कर रही है। सिटी वार्डन ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मौजूद हैं ताकि ट्रैफिक चलता रहे, मशीन भी अपना काम करती रहे। तो दो मशीनें यहां पर जहांगीर रोड पर काम कर रही हैं। एक मशीन ये है जो इस तरफ काम कर रही है जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और एक मशीन आगे है। तो आगे भी चलूँगा आपको ले कर और वहाँ की भी व्यू आपको दिखाऊँगा और अपडेट दूँगा। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था जहांगीर रोड पूरे कराची में एक वाहिद ये रोड थी जहां से लोगों का गुजरना मुश्किल होता था। और अभी भी आप राइट लेफ़्ट साइड देख सकते हैं इधर ट्रैफिक कितना स्लो चल रहा है क्योंकि रोड का बुरा हाल है। अब फ़िलहाल जो है दोनों तरफ जो है वर्किंग जारी है और ये काम स्टार्ट हुआ था दो दिन पहले। ये देखें अभी तमाम खुदाई की जा रही है नालों की और उम्मीद ये की जा सकती है इंशाअल्लाह ताला के इस बार जो है काम ज़बरदस्त होगा जब सीवरेज के निज़ाम सही होगा। ये देखें कि इलेक्ट्रिक भी गाड़ियां लगी हुई हैं और आगे भी मशीन काम कर रही है। इससे पहले मैंने तकरीबन 15-20 दिन पहले इधर की वीडियो डाली थी और आवाम की मुश्किलात जो थी उससे आगाह किया था हुकाम बाला को, और बहुत से मेरे कुलीगों ने इसकी वीडियो डाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द जहांगीर रोड के रहने वाले और यहां से गुज़रने वालों के लिए ये मसला आसान हो जाएगा। अभी कुछ थोड़ी बहुत आपको मज़ीद तकलीफ़ उठानी पड़ेगी क्योंकि काम हो रहा है, मशीन लगी हुई है। ये देखें ये दूसरी मशीन है जो यहाँ पर काम कर रही है, ये आगे से काम करती हुई इस तरफ आ रही है। ये देखें ये ड्रिल से सुराख हो रहे हैं और ये लाइन जो है उसको निकाला जा रहा है, पुरानी लाइनों को जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, नए सिरे से जो है सीवरेज का निज़ाम किया जाएगा। और जब सीवरेज की लाइनें डल जाएंगी उसके बाद रोड पर काम होगा। तो उसमें ये होता है जैसे मैंने आपको दिखाया था 5 स्टार की तरफ का कि वहाँ सेंटर में नाला बनाया गया है, लेकिन जब रोड बनाई जाएंगी तो वहाँ पर स्लोप जो है वो नाले के साइड में ही होगा। अगर बारिश होती है पानी का कोई मसला होता है तो वो सब नाले के अंदर ही जाएगा। तो लिहाजा कहीं पर भी अब रोड जो बन रही है उससे पहले जो है सीवरेज की लाइनें सही की जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। जिस तरीके से यहाँ जहांगीर रोड पे अब ये काम किया जा रहा है
तो काफ़ी टाइम के बाद जहांगीर रोड की भी किस्मत जाग उठी एक बार दोबारा, और अब अल्लाह से दुआ है कि काम मुस्तकिल बुनियादों पर हो और यहाँ के रहने वाले और यहाँ से सफ़र करने वालों ने जो तकलीफ़ें उठाई हैं अब उनको इंशाल्लाह ताला आसानी मिले। लेबर लगी हुई है, काम हो रहा है और आज कराची में गर्मी भी बेइंतहा है और रमज़ान की भी आमद है। तो मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमान भाइयों को पेशगी रमज़ान की मुबारकबाद हो। अल्लाह ताला इस महीने में हम सब में मोहब्बत भाईचारा पैदा करे, रोज़गार में इजाफ़ा करे और जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। तो ये अपडेट थी जहांगीर रोड की। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा मैं उसकी आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी स्टार्टिंग में जो है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मशीनें दो लगी हुई हैं और वो सीवरेज के निज़ाम के सिलसिले में काम कर रही हैं। दूसरी तरफ का भी रोड जो है काफ़ी ख़राब हो चुका है, वो भी इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा। उधर का भी पहले सीवरेज का निज़ाम सही किया जा रहा है, दोनों तरफ सीवरेज के निज़ाम को करने के बाद इंशाल्लाह ताला रोड दोबारा नए सिरे से बनाई जाएगी। ये देखिए आप, तो ये थी अपडेट जहांगीर रोड से। उम्मीद है आपको मेरी ये अपडेट पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला फिर किसी और पॉइंट पर किसी और वीडियो में। तो यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।